नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हृदय, उसके प्रकार, हृदय एवं उसके प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक, हृदय और उसके प्रकार। रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण दो प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है। पहला है हृदय तथा दूसरा है रुधिर वाहिनियाँ एवं रुधिर। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हृदय क्या है, हार्ट क्या है। तो पारिभाषिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन मोस्ट एनिमल विच पम्प्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात हृदय एक पेशी संरचना है जो रक्त परिसंचरण तंत्र के रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करने का कार्य करता है। रक्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके रिमूवल करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर सभी जीवों में एक ही हृदय पाया जाता है और हृदय के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हृदय के भागों की संख्या दो से ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं हृदय के प्रकार एवं उनके उदाहरण। नलिकाकार हृदय की अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो हृदय है वह काकरोच में पाया जाता है जो 13 कोष्ठी होता है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात क्या है कि नलिकाकार हृदय जो है वो काकरोच में पाया जाता है और 13 चेम्बर का बना हुआ होता है। वहीं दूसरे प्रकार के हृदय की बात करें तो दूसरे प्रकार का हृदय होता है रिवर्सिबल हृदय, और इस प्रकार का हृदय जो है वो हार्ट मानिया में पाया जाता है जिसमें रक्त का प्रवाह एकांतर रूप से विपरीत दिशा में होता है। अर्थात पहले एक दिशा में बहता है, वहीं पर दूसरी बार में यह दूसरी दिशा की ओर बहना शुरू करता है। अब हम बात करें हृदय के कोष्ठों की संख्या के आधार पर तो हम ये देखते हैं कि 2 चैम्बर हार्ट, 2 कोष्ठी हृदय, यह मछलियों, पेट्रोमाइजान और मिग्जीन में पाया जाता है। 2 चेम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? मछलियों में, पेट्रोमाइजान व मिग्जीन में पाया जाता है। वहीं पर 3 चेम्बर्ड हार्ट जिसमें 2 ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स होता है, जिसमें 2 आलिंद व 1 निलय होता है, इस प्रकार का जो हृदय है यह उभयचर में पाया जाता है। वहीं अपूर्ण रूप से 4 कोष्ठी हृदय जो है वह सरीसृप में पाया जाता है। अपूर्ण रूप से 4 कोष्ठी हृदय जो है वो कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है सरीसृप में पाया जाता है। इस प्रकार के हृदय में 2 आलिंद व अपूर्ण रूप से विकसित 2 कोष्ठी निलय पाया जाता है। इसे 3½ चेम्बर हार्ट भी कहा जाता है, 3½ चेम्बर्ड हार्ट भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम कंप्लीटली डेवलप्ड 4 चेम्बर हार्ट की बात करें, 4 कोष्ठी हृदय की बात करें, तो इस प्रकार का हृदय मगरमच्छ, घड़ियाल, पक्षी वर्ग व स्तनी वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है जिसमें 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इस प्रकार के हृदय में सिराकोटर अनुपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करें न्यूरोजेनिक हार्ट। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि न्यूरोजेनिक हार्ट क्या कहलाता है? तो ऐसा हृदय जिसमें हृदय की धड़कनों की उत्पत्ति हृदय में उपस्थित तंत्रिकीय गैंग्लियॉन से उत्पन्न तंत्रिकीय आवेगों के द्वारा होती है, न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है, न्यूरोजेनिक हृदय कहलाता है। एक बार पुनः इसको समझे कि ऐसा हृदय जिसमें हृदय की धड़कनों की उत्पत्ति हृदय में उपस्थित तंत्रिकीय गैंग्लियन से उत्पन्न
तंत्रिकीय आवेगों के द्वारा होती है, न्यूरोजेनिक या तंत्रिका जनिक हृदय कहलाता है। इस प्रकार का जो हृदय है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा, एरेनिकोला और लुम्ब्रिकस लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करें पेशी जनित हृदय की या मायोजेनिक हार्ट की। तो मायोजेनिक हार्ट होता क्या है? अब यदि हम मायोजेनिक हृदय की बात करें तो ऐसा हृदय जिसमें हृदय स्पंदन की उत्पत्ति, हृदय की धड़कनों की उत्पत्ति हृदय में उपस्थित हृदय पेशियों के एक भाग के द्वारा होती है, हृदय पेशियों के एक भाग के द्वारा होती है, मायोजेनिक हृदय कहलाता है। इस प्रकार के हृदय जो है मोलस्का और कार्डेटा के सदस्यों में पाया जाता है। इनमें से क्वेश्चंस की बात करें तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यह हृदय सबसे व्यस्तम अंग होता है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। और सबसे बड़ा हृदय को किसका होता है? तो सबसे बड़ा हृदय होता है हाथी का। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना हृदय एवं उसके प्रकार। इस प्रकार हमने देखा हृदय, उसके प्रकार एवं उदाहरण। इस वीडियो के प्रत्येक लाइन, प्रत्येक वाक्य एक प्रश्न को जन्म देता है। इन प्रश्नों के उत्तर इसी में छुपे हुए हैं, अतः इन्हें आप अवश्य नोट करें। यह आपकी नीट के एग्जाम के लिए या अन्य प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।